गुड मॉर्निंग्स डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का पार्ट शुरू किया था। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा, आपने देखा बेटा IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स को हमने अच्छे से डील आउट किया। तो आपने बेटा उससे रिलेटेड असाइनमेंट को भी सॉल्व किया। हम ईथर के पार्ट को हम बेटा सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आज आपने बेटा जी क्या करना है, एक तो बेटा आइसोमर एल्कोहल्स एंड फिनोल के बेटा आइसोमर की आपको एक असाइनमेंट शीट प्रोवाइड करूँगा बेटा मैं, उस असाइनमेंट शीट को आपने सॉल्व करना है। आइसोमर के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा बेटा, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर ऑफ एल्कोहल्स के बारे में आपने डिस्कशन करना है। तो आज हमारा बेटा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक है बेटा प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल्स। ओके, मीन्स हम एल्कोहल्स की बेटा प्रिपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ा बेटा, लास्ट यूनिट के अंदर आपने बेटा पढ़ा कि हेलोलकेन्स क्या होते हैं। अब हम हेलोलकेन्स का यूज़ करते हुए एल्कोहल की फॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके, तो आपने करना क्या है बेटा, कोई भी हेलोलकेन्स लेना है, उस हेलोलकेन को बेटा एक्वस KOH के साथ रिएक्शन दे देनी है। तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन देते ही बेटा KOH के पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक कर जाता है। इट मीन्स OH नेगेटिव एक न्यूक्लोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो OH नेगेटिव यहाँ पे बेटा एक स्ट्रोंगर न्यूक्लोफाइल इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन दे देगा, मीन्स इस हेलोलकेन के ऊपर रिएक्शन दे देगा। तो होगा क्या बेटा, OH नेगेटिव इस एक्स मीन्स इस वीकर न्यूक्लोफाइल को सब्टीट्यूट कर देगा। सब्टीट्यूट करते ही बेटा OH नेगेटिव इस एक्स नेगेटिव को बाहर कर देगा और ये एक्स नेगेटिव इस के साथ मिलके KX की फॉर्मेशन करेंगे और OH ग्रुप बेटा इस R के साथ अटैच हो जाएगा, मीन्स आपके पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अब आप इसी एग्जाम्पल को बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर फिर इसी क्वेश्चन को देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बेटा मेरे पास सेकेंडरी हेलोलकेन है, तो सेकेंडरी हेलोलकेन बेटा इस KOH के साथ रिएक्शन देने वाले हैं। KOH बेटा एक्वस होना चाहिए, ध्यान रहे। ओके, क्योंकि बेटा एल्कोहलिक के अंदर डिहाइड्रेशन होता था, अल्कीन की फॉर्मेशन होती थी। ओके, तो OH नेगेटिव यहाँ पे इस BR नेगेटिव को बेटा इस BR को सब्टीट्यूट कर देगा और सब्टीट्यूट करते ही आपके पास बेटा सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होने वाली है। ओके, फिर इसी क्वेश्चन को बेटा आप और ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। आप देखोगे बेटा यहाँ पे फिर मैंने प्राइमरी हेलोलकेन लिया, प्राइमरी हेलोलकेन में क्या होगा, फिर इस KOH को रिएक्शन देंगे। KOH क्या करेगा बेटा, यहाँ पे OH नेगेटिव इस BR को सब्टीट्यूट करते ही प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, अब बेटा ध्यान रहे यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल बेटा इस मेथड के थ्रू हम नहीं बना सकते। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी हम पढ़ेंगे अल्कीन से हम अल्कोहल की फॉर्मेशन करने वाले हैं और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अब आपने बेटा यहाँ पे कोई अल्कीन ली, अल्कीन आप सभी को पता है बेटा ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा जो डबल बॉन्ड से कंटेनिंग होगा। ओके, तो आपने क्या करना है बेटा, इस अल्कीन का हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस बेटा सभी को पता है वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। जब भी बेटा अल्कीन को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ध्यान रहे, दिस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। ओके, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी को पता है एच पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा। ओके, तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे जैसे ही बेटा रिएक्शन प्रोसीड होगी, इस सल्फ्यूरिक एसिड के कारण वाटर बेटा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस के अंदर सप्लिट कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो ये वाला OH नेगेटिव आयन है, ये वाला OH नेगेटिव आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, मींस बेटा यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग एडिशन होगी, मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा रिएक्शन प्रोसीड होगी।
तो मार्कोनी को रूल्स बेटा सभी को आता ही है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे OH नेगेटिव ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और आपके पास बेटा यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो गया। और बेटा जो ये वाला H पॉजिटिव आयन है इस CH2 के साथ अटैच होके यहाँ पे CH3 बना दिया। मीन्स आपके पास जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट आया बेटा वो आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। ओके, अब इस क्वेश्चन को बेटा दोबारा फिर आप रिवाइज कर सकते हो। आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे कोई अल्कीन ली, अल्कीन को वाटर के साथ रिएक्शन दी, वाटर में बेटा OH नेगेटिव आयन अब इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और आपके पास यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। ओके, अब बेटा ध्यान रहे इस रिएक्शन का बेटा मैकेनिज्म हमारे NCERT सिलेबस के अंदर है, CBSE सिलेबस के अंदर है, तो बेटा मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है आपने। ओके, तो पहली बात बेटा यही रहेगी कि आखिरकार मैकेनिज्म होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का बेटा मैकेनिज्म से क्या मतलब समझा जाता है। तो बेटा ध्यान रहे मैकेनिज्म हमेशा ही रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद डिजाइन किया जाता है। मीन्स आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बेटा कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं बेटा वो रिएक्शन आर से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस टाइप से बना होगा। मीन्स उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते बेटा बीच में कौन कौन सी स्टेजेस आई होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग बेटा हम मैकेनिज्म को डिजाइन करते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा फर्स्ट स्टेप जो मैकेनिज्म का रहेगा, आपने देखा बेटा एसिड लिया था, एसिड H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा, और बेटा आपने कहा था कि हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन के अंदर वाटर की एक एक्सेस अमाउंट प्रेजेंस होगी। तो बेटा क्या होगा, एसिड से H पॉजिटिव आयन और वाटर के कारण बेटा जी, अब आप सभी को पता है बेटा वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की प्रेजेंस होती है, तो साथ ही साथ क्या होगा, H पॉजिटिव के पास डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर है, तो बेटा साथ ही साथ यहाँ से ये वाले लोन पेयर इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देंगे। ओके, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो अब जैसे ही बेटा यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन्स की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होते ही बेटा जी आप सभी ने देखा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, विच इज नॉट स्टेबल, मीन्स बेटा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आना बहुत ही मतलब हाईली अनस्टेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये रीजन रहेगा, ऑक्सीजन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। ओके, तो इस ये वाला जो स्पीसीज बनता है बेटा कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनता, तो साथ ही साथ जो हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के अंदर बेटा हमने अल्कीन लिया था, अल्कीन के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। ओके, तो इस कारण क्या होगा बेटा, अल्कीन के पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बेटा इस हाइड्रोनियम आयन के ऊपर अटैक कर देंगे। तो होगा क्या बेटा, H और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो ऑक्सीजन अब्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही बेटा ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्सीजन का यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। मीन्स अब जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेटा ऑक्सीजन के पास चले गया, H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, तो H पॉजिटिव आयन बेटा ये वाला अल्कीन अब्सट्रैक्ट कर लेगा। ओके, जैसे ही बेटा यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इस अल्कीन के पास गया, तो बेटा इस अल्कीन के पास भी पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। ओके, तो सेकंड स्टेप के अंदर फिर देखोगे बेटा आप, यहाँ तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर टू के अंदर, स्टेप नंबर टू के अंदर देखोगे बेटा रिएक्शन के अंदर वाटर की प्रेजेंस है, आप सभी ने बताया था रिएक्शन के अंदर हम हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, या फिर यहाँ पे H2O की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज को देखते ही वाटर के लोन पेयर बेटा फिर इस कार्बोकैटायन के ऊपर रिएक्ट कर देंगे, अटैक कर देंगे। ओके, तो आप देखोगे बेटा इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, और जैसे ही बेटा जी इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को अपने लोन पेयर प्रोवाइड किए, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। ओके, फिर आप कहोगे बेटा पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबलाइज बाय द ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले। ओके, तो स्टेप नंबर थर्ड के अंदर आप देखोगे बेटा यहाँ पे रिएक्शन के अंदर बेटा वाटर की प्रेजेंस है। ओके, तो इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन बेटा इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अब्सट्रैक्ट कर लेगा,
इट मीन्स यहाँ से बेटा एच पॉजिटिव आयन फ्री हो जाएगा। ओके अब ये वाला एच पॉजिटिव बेटा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा, इस वाटर के बेटा लोन पेयर के द्वारा अस्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और हमारे पास बेटा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो इस अल्कीन के साथ ओ एच बेटा ग्रुप अटैच हो चुका है। तो आप ओवरऑल आपने पूरे मैकेनिज्म के अंदर देखा बेटा, तीन स्टेप होंगे अच्छे से इस मैकेनिज्म को रिकवर करना है बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।